नमस्कार दोस्तों, मेरे नए YouTube चैनल ब्रेन वॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे एक मैथ मैजिक ट्रिक। ये जो चार्ट है ये एक मैथ मैजिक ट्रिक का चार्ट है। इसे आप अच्छे से देख सकते हैं और चाहे तो वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये चार्ट जो है एक बेहतरीन चार्ट है। इस चार्ट से कोई आप अपने किसी भी दोस्तों को बोलेंगे कि 1 से लेकर 63 अंक तक कोई भी अंक वो सोचे। सोचने के बाद सिर्फ आप उसको बोलिए कि वो अंक बताए नहीं, बस ये बताए कि वो किस किस चार्ट में है। ओ में, को में है, ख में है, ग में है, घ में है, च में है या छ में है, किस में वो चार्ट, वो अंक किस किस चार्ट में है। तो जैसे आप देखते हैं, हम मान के चलिए कि हम एक अंक लिए, हम एक 46 अंक लिए। देखिए अब कि ये किस में है 46। वन ये को में है 46, देखिए नहीं है यहाँ 46, इसमें नहीं है, इसमें देखिए यहाँ 46 है। ख में है 46, तो इसका पहला अंक ले लेंगे 2, 2 ले लिए प्लस, इसमें 46 हो गया। फिर गो में भी है 46, इसमें क्या है 4 प्लस 4। फिर गो में देखते हैं 46 है, क्या है इसका पहला अंक 8। फिर देखते हैं इसमें है, चो में है 46, नहीं है 46, चलिए छोड़ दीजिए इसको। इसमें देखिए 46 है, इसमें है 46, इसका पहला अक्षर क्या है, पहला लेटर है 32। अब देखिए ये सब को जोड़ के हमारा कितना आता है, देखिए 8 2 10 4 14 14 2 16 का 6 हाथ में रहा 1 3 1 4 46। इसमें 1 से लेकर 63 तक कोई भी अंक आप ले लीजिए। जिस जिस चार्ट में अगर वो अंक रहेगा उसका पहला लेटर जो रहेगा, पहला अंक जो रहेगा उस सब को जोड़ दीजिए, वो अंक आपका निकल जाएगा। अब 15 मान लीजिए, 15 ले लेते हैं हम, तो देख लीजिए 15 किस में है, पहला में है, को में है 15, देखिए है 15, तो पहला उसका अंक है 1। फिर प्लस इसमें देख लीजिए 15 है, 2 में है, इसका पहला अंक है 2। गो में है देखिए 15 है, इसका पहला अंक हो गया 4। घो में है पहला अंक 15 है, इसका पहला अंक हो गया 8। अब देखिए यहाँ चो में नहीं है, छो में नहीं है, ठीक। तो अब इसको जोड़िए 8 4 12 12 8 2 14 1 15। इस ट्रिक से आप अपने दोस्त को बहुत ही शॉक कर सकते हो कि कैसे वो आप उसका सोचा हुआ नंबर आप बता रहे हो। तो ये एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है और ये एक बहुत ही मजेदार चार्ट है, और मैं इस चार्ट को बनाने का भी आपको तरीका बता देता हूँ कि ये चार्ट कैसे बनाया जा सकता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे 1 है, हम पहले 6 चार्ट लेंगे जिसमें कि हम 32 खाने बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि ये चार्ट कैसे बनता है। जैसे यहाँ देखिए, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1
उसके बाद एक अंक बाद देके उसके बाद लिखे थ्री, फिर एक अंक बाद दिए फोर को बाद देके फाइव, फिर सिक्स को बाद देके सेवन, एट को बाद देके नाइन, इस तरह करके हम 63 तक लिखेंगे एक एक अंक बात करके पहला को में। उसके बाद खो खंड जो बनाएंगे उसमें यहाँ वन था उसका डबल करेंगे तो हो जाएगा टू। तो अब क्या करेंगे, इसमें जब टू लिखे हैं तो दो अंक लिखेंगे फिर दो अंक बाद देंगे, फिर दो अंक लिखेंगे फिर दो अंक बाद देंगे। तो यहाँ हम लिख दिए दो, फिर तीन, दो तीन, उसका चार पांच बाद, उसका छः सात, उसके बाद आठ नौ बाद, उसके बाद 10 11 12 13 बाद, 14 15 16 17 बाद, 18 19, इस तरह करके हम 63 तक लिखेंगे। फिर अब गो में आएंगे, यहाँ दो लिखे थे अब उसका डबल करेंगे चार। अब चार का मतलब चार अंक लिखेंगे, जब चार लिखे तो चार अंक लिखना है, उसका चार अंक बाद देना है, फिर चार अंक लिखना है। तो देखिए जैसे यहाँ चार पाँच छ सात लिख दिए, उसके बाद आठ नौ 10 11 बाद चला गया, उसके बाद 12 13 14 15, उसके बाद 16 17 18 19 चार अंक बाद चला गया, फिर 20 21 22 23, उसके बाद 24 25 26 27 बाद चला गया, 28 29 30 31, मतलब चार चार अंक बाद देके फिर ये घर बनाएंगे 63 तक इसको भी लिखेंगे। अब फिर चार के डबल कर देंगे 8 हो जाएगा, फिर 8 से करेंगे हम तो 8 अंक लिखेंगे फिर 8 अंक बाद, तो 8 9 10 11 12 13 14 15, उसके बाद फिर 8 अंक बाद कर देंगे 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बाद चला गया, उसके बाद फिर 24 25 26 27 28 29 30 31, ये 8 अंक लिख दिए, फिर 8 अंक बाद जाएगा, फिर 40 41 42 43 44 45 46 47 48, फिर 8 अंक बाद देके इस तरह करके हम 63 तक लिखेंगे। उसके बाद फिर छ में आएगा, छ में तो यहाँ 8 का फिर डबल हो गया 16, तो यहाँ 16 लिख दिए और उसके बाद फिर 16 अंक लिखेंगे। तो देखिए 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, उसके बाद फिर 16 अंक बाद दे देंगे 31 के बाद, 32 33 ये सब करके 16 अंक तक बाद देंगे, उसके बाद फिर 48, 16 अंक फिर 48 आएगा, फिर 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63, 63 तक हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद 6 में आएंगे, उसके बाद फिर 16 था यहाँ, आप इसका डबल करेंगे 32, तो 32 से आप स्टार्ट होगा, तो 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63। तो हम 32 से लेकर 63 तक इसमें 6 वाले अंक में लिख देंगे, तो इससे हमारा ये चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। आप कभी भी ये चार्ट अपने से भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको ये स्क्रीनशॉट लेने का, और आप इस चार्ट को बनाकर अपने दोस्त को सौंप दे सकते हैं कि आप उनके मन का अंक कैसे बता रहे हैं उन्हें। इस तरह के ट्रिकी वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।